ਭਾਈ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अली मोटिफिकेशन। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बगैर कट वाला पेपर कैसे लगाया जाता है और सबसे बेस्ट लेमिनेशन जो है वो कौन सा पेपर है वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे, और इसके ऊपर लगा कर दिखाएंगे कि कौन सा पेपर इसके ऊपर लगाया जाता है और बगैर कट वाला पेपर कैसे लगाया जाता है। अक्सर भाई ने हमसे पूछा है कि भाई ने को नीचे से पेपर उखड़ता क्यों है, तो वो उसका हल भी आपको बता दे देंगे, उसकी वजह भी आपको बताएंगे और दोबारा इंशाल्लाह पेपर जो आपको लगा कर दिखाएंगे कि वह नीचे से उखड़ेगा भी नहीं। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको मुकम्मल डिटेल से बनाकर दिखा रहे हैं, तो वीडियो को लाजमी पूरा देखना, स्किप करके देना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट्स कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो बगैर कट वाले पेपर लगवाते हैं तो उखड़ना शुरू हो जाता है। तो बगैर कट वाला पेपर जो है, ये पेपर इस तरीके से आपको लगाकर दिखाएंगे। अगर आपके पास हीट गन की सहूलत मौजूद है तो आप ये पेपर ख़ुद भी अपने घर पर इसे लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखें, ये पानी है, इसके अंदर हमने केमिकल मिक्स किया हुआ है, केमिकल जो इसके अंदर मिक्स है वो भी आपको बता देते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं हमने आपको पहले दिखाए हैं पूरे फ्यूल टैंक के ऊपर, और जो पूरी बाइक के ऊपर हमने पेपर लगाना है, ऐसा पेपर लगाएंगे इंशाल्लाह आपको नज़र भी नहीं आएगा और पूरी बाइक भी लेमिनेशन हो जाएगी। हाँ, अगर जो रेड वाला पेपर है, जो रेड के ऊपर जो हमने पेंट लगानी है लेमिनेशन, वो आपको नज़र आएगा। बकाया मुकम्मल तौर पे पूरी बाइक के ऊपर हमने पेपर लगाना है इंशाल्लाह, वो आपको नज़र भी नहीं आएगा और पेपर भी पूरी बाइक के ऊपर लग जाएगा। जो कौन सा पेपर है, जो कौन सा पेपर है आपको दिखाते हैं, PPF M3 का यह पेपर होगा, आपको दिखाएंगे और पेपर लगाने का तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है जी, इसकी जो मोनोग्राम हमने उसे बड़ी आसानी से उतार लेनी है। देखें, उतारने का तरीका आपके सामने है। जो इसके साथ डबल टेप है उसको भी इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी से उतारना है कि वो डबल टेप भी ख़राब ना हो। ये देखें, ये दोनों मोनोग्राम मैंने उतार लिए है। इसकी जो ओरिजिनल डबल टेप होती है, इसके नीचे लगी होती है गोला टेप जिसे बोलते हैं, बिल्कुल सेफ है। ये दोबारा इसी तरीके से इसके साथ पेस्ट किया जा सकते हैं। जो जो चीज़ें खोलने वाली हैं, इसका जो मोनोग्राम है, फ्रंट वाला साइड वाले कवर है, चैन कवर है और फ्रंट वाली लैड है, इसको हमने खोल लेना है। बकाया चीज़ें कोई चीज़ नहीं उतारनी, एक सीट है, जो सीट बैग वो तो उतरनी है क्योंकि फ्यूल टैंक के ऊपर हमने एक बगैर वाला एक सिंगल पीस जो है वो इसके ऊपर पेपर लगाना है। लगाने का तरीका और पेपर कौन सा लगाते हैं हम वो आपको दिखाएंगे कि कौन सा पेपर आपको पसंद करना चाहिए और कौन सा पेपर लगवाना चाहिए। ये देखें, फ्यूल टैंक बिल्कुल ओके हो, इसको अब हम पेपर लगाएंगे। ये देखें, इसकी जो हेडलाइट है, पार्ट्स हमने सारे का सारा खोल लिया है, सारे पार्ट्स के ऊपर इसी तौर तरीके से हमने पेपर लगाना है जैसे हमने आपको बताया। पहले तो अच्छी तरह जितनी भी मिट्टी होगी, रस्ट होगा, पूरे पार्ट्स के ऊपर उसको दूर करना है। जितना आप इसे साफ़ कर लेंगे उतना ही पेपर इसके ऊपर साफ लगेगा। ये रेड कलर के जो टापे हैं और फ्यूल टैंक है, इसके ऊपर हमने पेपर लगाना है। ये देखें, ब्लैक वाला ये कलेजी शेड देता है बाद में जो पेपर लग जाता है। ये देखिए, इसका जो फ्रंट वाला कवर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके कड़े के ऊपर हमने ब्लैक पेपर लगाया, फ्रंट शीशे के ऊपर दो हमने छोटे छोटे पीस लगाए हैं। तो अभी हम टापे के ऊपर भी इसी तौर तरीके से लेमिनेशन लगा रहे हैं। देखें, जब भी आपने लेमिनेशन लगानी है, लगाने का तरीका आपके सामने है, तो बड़ी आहिस्ता से उसे पेस्ट करते जाना है। जितनी आप हीट इसके नज़दीक करके लगाएंगे उतना ही पेपर ख़राब लगेगा, जितनी हीट आप दूर से इसके ऊपर लगाएंगे पेपर उतना ही ज़बरदस्त लगेगा और उतना ही साफ लगेगा। अभी ये चैन कवर के ऊपर पेपर लगा रहे हैं, ये देखें बिल्कुल वाइट लेमिनेशन हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो भाई जान आपको बता देंगे, इसके ऊपर जो पेपर हम लगाते हैं, जो भी पेपर लेमिनेशन किया जाता है वो PPF M3 का पेपर होना चाहिए और कोरिया लाइट का पेपर होना चाहिए। अदरवाइज़ इसके ऊपर कोई पेपर भी ना लगवाएं, वो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये देखें, मीटर के ऊपर हम डिज़ाइनिंग के लिए जो पट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रंट लाइट बिल्कुल ओके हो चुकी है, साथ में इसके ऊपर एक स्टार का लोगो लगाएंगे। ये देखें, अभी हम ये दोनों चार इशारे जो इंडिकेटर इसके ऊपर हमने पेपर लगाना है, वो भी लेमिनेशन में इसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखें, इसके साथ में जो पट्टी एक्स्ट्रा लगाते हैं कि ये पेपर जो है वो हम खींचा ना चला जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से पेपर खींचा ला जाता है। और ये देखें, वाइट लेमिनेशन अभी हम इसके पूरे ग्लासेस के ऊपर लगाएंगे। नीचे जो बॉटम है उसके ऊपर भी हमने बिल्कुल वाइट लेमिनेशन ही लगानी है। इंशाल्लाह ये पेपर लगा हुआ भी नज़र नहीं आता और सेफ्टी की भी सेफ्टी हो जाती है। जी दोस्तों, ये देखें,
पेपर लगाने का तरीका बड़ी आसानगी से, बहुत ही आहिस्ता से आपने पेपर को लगाना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी, क्योंकि ये लेमिनेशन होती है, जहाँ पे भी इसके अंदर बबल बन जाएगा वहाँ पे सलवट बनेगा तो वहाँ से पेपर उफड़ना शुरू हो जाएगा। फ्रंट मरगाड़ के ऊपर हम बिल्कुल डिज़ाइनिंग वाला पेपर अभी न्यू डिज़ाइन में साथ में जो चल रहा है वो लगाएंगे। ये देखें ऊपर में स्माइली का स्टिकर लगा रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। जो हब वाले स्टिकर हैं वो भी ये देखें ब्लैक में हम लगा रहे हैं, बिल्कुल हब जो है बिल्कुल नीचे से अच्छी तरह बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी। ये देखें तारों वाली कटिंग भी इसके साथ में है, बिल्कुल ओके है हब आपके सामने, माशाल्लाह शाइनिंग। ये देखें अब जो इंजन के ऊपर हम पेपर लगा रहे हैं वो आपके सामने देखें सिल्वर कलर के ही लगा रहे हैं। ये पेपर इस तरीके से है, इस टेप के हैं, सिल्वर कलर के ही बने हुए, जो टेप इसके साथ पीवीसी इस्तेमाल की गई है तो ये टेप लगी हुई आपको नज़र भी नहीं आएगी। दोनों साइडों के ऊपर इंजन के हमने वही पेपर लगाना है। और ये बैक ग्लासेज हैं शाक के, ये देखें रेड वाला जो पार्ट्स है उसके ऊपर हमने ब्लैक लेमिनेशन लगानी है, और जो नीचे चमकदार हैं शाक के ग्लासेज हैं उसके ऊपर हमने बिल्कुल वाइट लेमिनेशन लगाएंगे। दोनों इशारे फ्रंट वाले और दोनों इशारे बैक वाले बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अभी हम बैक लाइट के ऊपर जो लेमिनेशन लगा रहे हैं ये सारे का सारा जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल ब्लैक में जो टच हो जाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है बाइक का मुकम्मल तौर पे ओरिजिनल आपको शेप नज़र आएगी। ये देखिए डिज़ाइन बना रहे हैं अभी इसके ऊपर किस तरीके से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये मारकोट का डिज़ाइन है, अभी आपको शार ओके करके पूरी बाइक दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये पेपर अभी हम लगा रहे हैं, जो सबसे अहम मसला जो है वो टैंकी का आता है, छोटे मोटे पार्ट्स के ऊपर तो हर बंदा ही पेपर लगाता है। ये देखें सिंगल पीस को किस तरीके से लगाया जाता है, सेंटर से आपने बिल्कुल हाफ खोलना है, हाफ एक साइड को मुकम्मल करके दूसरी साइड का पेपर बाद में खोलना है। बाज़ औक़ात फ्यूल टैंक का जो वहाँ पे ढक्कन लगता है, ढक्कन के फ्रंट पे जो है हैंडल के नीचे ऐनक के साथ में लोग अक्सर कट डाल देते हैं, लेमिनेशन लगाते वक्त वहाँ पर कट डाला जाता है, तो कहते हैं कि कट डालकर जो है लेमिनेशन लगानी चाहिए, तो वैसे पेपर काबू नहीं आता। तो भाईजान इंशाल्लाह ये पेपर बगैर कट के आपको लगाकर दिखाएंगे। ये देखें बिल्कुल सेफ हो चुका है नीचे पेपर, ये एक्स्ट्रा पट्टी हमने इसलिए वजह से लगाई है कि दो चार दिन के बाद ये पट्टी उतारना भी चाहें तो उतार सकते हैं, क्योंकि जो पेपर की चमक होती है, जो पेपर की पकड़ होती है वो उसके अंदर जज्ब हो जाएगी पेंट के साथ, और जो ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी है ये देखें जहाँ पर टक होता है, ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ये देखें अक्सर लोग जहाँ पर टक डालते हैं, तो टाका हमने नहीं डालना इंशाल्लाह, बिल्कुल इसे अच्छी तरह कन्वर्ट करेंगे। जो देखें मुकम्मल तौर पे जो है आप जब भी लेमिनेशन लगाएं तो जहाँ पे आपके स्टिकर आ जाएं तो ख़ास तौर पे वहाँ पे आपने हीट का इस्तेमाल कम करना है और पेपर को ज़्यादा खींचना नहीं है। जितना पेपर आप खींचेंगे उतना ही पेपर कमज़ोर होता जाएगा और जल्दी उखड़ जाएगा, तो पेपर को पेपर की बेस में ही रहने देना है, मोटा ही रहने देना है। जितना आप पेपर को खींचेंगे वो ब्रीक होता जाएगा और वह जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नीचे करके जो टैंकी की किनारी होती है वहाँ से पेपर को काटें और साथ में एक्स्ट्रा पट्टी इसके ऊपर लगा दें तो इंशाल्लाह पेपर कभी भी यहाँ से नहीं उतरेगा। ये देखिए अभी एक्स्ट्रा पट्टी हम लगा रहे हैं, ये दो चार दिन के बाद आप इसे उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये बुरी भी नहीं लगती क्योंकि पूरी फ्यूल टैंक के नीचे आ जाती है। अभी हम देखें टापे बिल्कुल हम माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, उसके ऊपर से हम पेपर उतार रहे हैं। जो देखें इसकी चमक डिम है, इसकी चमक जो है तेज़ है, इसके ऊपर शापर हमने उतार दिया, दूसरे के ऊपर हम अभी है नहीं उतारा। दोनों टापे आपको रेडी करके दिखाते हैं, ये देखें एक की चमक लाइट है और एक अभी डिम है, दोनों टापे अभी ये देखें दोनों चमक रहे हैं, ये टापे बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अभी इसकी फिटिंग करेंगे, पूरी बाइक की जो लेमिनेशन है बिल्कुल ओके हो चुकी है, फिटिंग माशाल्लाह बिल्कुल आपके सामने है, और पेपर भी आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पर हमने पेपर लगाया है सेफ्टी के लिए, चिमटे के ऊपर और साथ में जो होते हैं ये बाइक के साथ जो स्टिकर आते हैं जेन्युइन जो होते हैं वहाँ पे हमने सारे के स्टिकर्स के ऊपर हमने पेपर लेमिनेशन लगा दिया है। इंजन के ऊपर सीट के ऊपर जाली लगाई है, साथ में बेल्ट लगाया, चैन कवर है, इंजन है, फ्रंट वाली टिक्की है, ग्लासेस हैं और बॉटम है, हब है, फ्रंट वाला मरगाड़ है, मीटर का शीशा, फ्रंट इशारे हैं, और ये देखें बिल्कुल मोजी वाला स्टिकर लगा दिया इसके ऊपर। और जो सबसे अहम मसला जो होता है फ्यूल टैंक का, और फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंगल पेपर लगा हुआ है लेमिनेशन। अभी इसके ऊपर हम शापर उतार के आपको दिखाते हैं कि कैसी शाइनिंग और कैसी चमकदार बाइक तैयार हुई है, फ्यूल टैंक की शाइनिंग आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ओके, और 100% ओरिजिनल पेंट आपको नीचे से नज़र आएगा, चमक शानदार आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो पेपर का इंतखाब आपने अच्छा करना है, PPF M3 में पेपर लगवाएँ, कभी भी आपने जो है हल्का पेपर नहीं लगवाना तो बाद में आपके स्टिकर्स को और पेंट को नुकसान पहुंचेगा। PPF M3 का पेपर नोट फरमा लें और साथ में कोरिया लाइट, जब भी आप दुकान पर जाएं लेमिनेशन करवाने के लिए तो आपने कोरिया लाइट का पेपर बोलना है, तो कोरिया लाइट ही आपको दुकानदार पेपर लगा कर दे,
क्योंकि कोरिया लाइट का रिजल्ट है और कोरिया लाइट का ही पेपर बिल्कुल ओके होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।